सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो कृष्णा टेक बीसी यूट्यूब चैनल। तो यार गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार आपने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे क्रिएटर्स को देखा होगा जो काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि जो उनकी विंडोज़ है वो एक्टिवेट नहीं होती। मैक्सिमम ऑफ द क्रिएटर्स जो अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं करते, एंड जो उनका मेन पीसी होता है उनमें तो विंडोज़ ऑब्वियसली एक्टिवेट होती है, बट गाइस जो उनके अदर पीसी होते हैं जो मतलब नॉर्मल काम के लिए यूज़ किए जाते हैं उन पे वो ज़्यादातर अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं करते। एंड आपने काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेज में देखा होगा कि जो मैक्सिमम विंडोज़ होती हैं वो एक्टिवेट नहीं की जाती। तो आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं करते, क्या उनके पास पैसे नहीं है या फिर कोई अदर जो सिक्योरिटी इशू है। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। विंडोज़ एक्टिवेशन। सो गाइज, विंडोज़ एक्टिवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि गाइज जो विंडोज़ एक्टिवेट जब आप अपने पीसी में करते हैं तो आप अपने पीसी को जो है फुल जो एक्सेस कर पाते हैं, आपको कोई भी जो फीचर में जो है कमी नहीं आती एंड आप माइक्रोसॉफ्ट की हर एक चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। बट गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि जो विंडोज़ के आज के टाइम में हम देखते हैं जो विंडोज़ आ रही है, हमारे पास विंडोज़ 10 आ रही है, विंडोज़ 11 आ रही है गाइज, इन विंडोज़ में एंड जो पहले विंडोज़ आया करती थी 2015 से पहले, उन विंडोज़ में क्या ऐसा एक्टिवेशन के मामले में क्या इतना बड़ा जो है डिफरेंस आ गया कि मैक्सिमम ऑफ द जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, जितने भी ऑफिसेज में लोग जो हैं वो विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं कर रहे। सो गाइस अब बात करते हैं जो भाई पहले विंडोज़ आती थी, यानी विंडोज विस्टा, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7। गाइस इन विंडोज़ में क्या था, जब आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं करते थे तो वहाँ पर गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स में जो है कमी देखने को मिलती थी, यानी आपकी विंडोज़ की परफॉर्मेंस भी कम हुआ करती थी, आप जो है मोर ऑफ द सेटिंग्स को जो एक्सेस नहीं कर पाते थे एंड काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो कम किए जाते थे एंड आपको जो नए अपडेट्स हैं, जो फीचर अपडेट्स देखने को मिलते हैं वो भी विंडोज़ में नहीं मिलते थे। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी कि जिससे जो है यूज़र जो है वो विंडोज़ को एक्टिवेट करे एंड जो ऑब्वियसली जो कंपनी का जो है प्रॉफिट हो। बट गाइस आज के टाइम पे क्योंकि जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं, लाइक लिनक्स एंड अदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो बिल्कुल फ्री में जो है काम कर रहे हैं, सो गाइस उनके साथ बीट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने भी अब थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस को कम किया अपनी विंडोज़ के एक्टिवेशन के मामले में। एंड गाइज 2015 के बाद जितने भी अभी विंडोज़ जो हमारी 10 आई थी 2015 में एंड जब भी विंडोज़ 10 में जो नए फीचर्स यानी अपडेट्स आए हैं उनके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को समझा एंड अब जो है बिल्कुल जो सिनेरियो है चेंज हो गया। सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं ना, मैं आपको बताने वाला हूँ वो फीचर जो विंडोज़ की तरफ से अभी आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे अगर आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं करते हैं। सो गाइज जो फर्स्ट चीज़ है वो आपको एक वाटर मार्क देखने को मिलता है अपनी होम स्क्रीन पे एंड वो जब भी आप अपने पीसी में कोई भी चीज़ करेंगे तो आपको वाटर मार्क एट प्रेजेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। बट गाइज ये इतना बड़ा बिग इशू नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जितने भी वर्किंग पीसेज होते हैं उनमें मतलब इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया जाता इस चीज़ पे, तभी जो है जितने भी क्रिएटर्स वगैरह हैं जो भी वर्किंग पीसेज में विंडोज़ को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करते हैं। देन गाइज अब मैं आपको सेकंड चीज बताने वाला हूँ वो है गाइज जो आपको पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स है उसमें थोड़ा आपको जो है रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, यानी आप अपनी जो पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाते। पर्सनलाइजेशन सेटिंग गाइज आपको अपनी जो विंडोज़ की सेटिंग में अगर आप जाएंगे वहाँ पे जब आप अपनी थीम्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी आप अपनी विंडोज़ में जो लाइट थीम है या डार्क थीम है या अपना वॉलपेपर वगैरह या टास्क बार का कलर वगैरह ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को एक्सेस अगर आप अपने सिस्टम में करना चाहते हैं तो आपको अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट करना पड़ेगा। बट गाइज फिर से वही बात आ जाती है कि जो अगर आप वर्किंग पीसी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। देन गाइस अब बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो मिथ्स बने हुए हैं कि जो अगर आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है विंडोज़ की वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू एक एक्टिवेटेड विंडोज़ के कंपैरिजन में। बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी मेरी जो पीसी है एंड एक लैपटॉप है एंड मैंने लैपटॉप पे अभी कुछ दिन पहले विंडोज़ को एक्टिवेट किया था, मैंने keyfans.com से अपनी एक्टिवेशन की बाय की थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में उसका बताया भी था कैसे आप उस चीज़ को बाय कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन की थी। एंड गाइस उस लैपटॉप को मैंने पहले जो एक्टिवेट नहीं किया हुआ था, मैं एक साल से मैं उसको ऐसे यूज़ कर रहा था विदाउट एक्टिवेशन, बट गाइस अभी मेरे को मैंने जब से उसको एक्टिवेट किया एंड जब मैं एक्टिवेट नहीं किया था तो मेरे को उन दोनों उस पीरियड की एंड अभी के पीरियड की परफॉर्मेंस में कोई भी मेरे को बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, एज सेम एज जैसे मेरी पहले परफॉर्मेंस थी अभी भी वैसी है लैपटॉप की परफॉर्मेंस। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस में कुछ ऊंच नीच देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। एंड यहाँ पे गाइस मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली, आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई एंड जो सिस्टम है बाय किया हुआ है, अगर आप में उसमें भी आपकी विंडोज़ एक्टिवेटेड नहीं है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप अगर आप एडिटिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, आपको कोई भी जो है FPS में या परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप कोई हैवी वर्क यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड जो आपकी विंडोज़ है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगी एंड आपको कोई भी वहाँ पे सिक्योरिटी इशू नहीं आने वाला। एंड जो मेन चीज़ आती है अगर आपके जो आपके सिस्टम में जो डेटा है वो भी सिक्योर रहेगा,
एंड अगर आपकी जो विंडो, आप जैसे मेरी तरह अगर आप कोई चैनल रन करते हैं यूट्यूब पे, तो आपकी चैनल, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल जो है वो हैक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका इन चीज़ों से भी रिलेशन है। क्योंकि गाइस काफ़ी सारे सिस्टम्स आप देखते होंगे जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यानी जो प्री एक्टिवेटेड आते हैं उनको आपको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। यानी लाइक मैं भी अभी फिल्मोरा जो है सॉफ्टवेयर जो होता है वीडियो एडिटर का, मैं यूज़ करता हूँ। एंड आपको जनरली बताऊँ तो मैंने भी उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि गाइस इतने मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, इतनी मंथली इनकम जो है इतनी मेरी नहीं है कि मैं उसको अफोर्ड अभी इस टाइम कर सकूँ। एंड उसका कोई फ्री वर्जन जो है उसमें वीडियो है प्रॉपर तरीके से रेंडर नहीं हो पाती, आपको प्रॉपर जो ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को मैं भी यूज़ करता हूँ, बट मैं भी अपने मेन जो लैपटॉप पे नहीं करता, मैं अपने एक दूसरे सेकंड जो मेरा डेस्कटॉप है उस पर यूज़ करता हूँ, कि जो मेरे चैनल की मैं कोई भी दिक्कत ना आए इन फ्यूचर। तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं, आप कोई सेकेंडरी अगर आपका कोई सिस्टम पड़ा है तो आप उन चीज़ों उन सिस्टम्स में आप पायरेटेड गेम्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, तो उन पीसीज में यूज़ कर सकते हैं, मेन पीसी में आप कभी ना करें। देन गाइस जो नेक्स्ट चीज़ है, यानी जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है गाइस अपडेट से रिलेटेड। गाइस काफ़ी ज़्यादा लोगों में डाउट रहता है कि भाई विंडोज़ के नए अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं या फिर जो आपको फीचर अपडेट देखने को मिलते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपकी विंडोज़ एक्टिवेटेड नहीं है तब भी आपको फीचर अपडेट एंड सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, क्योंकि गाइस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सो वो कभी नहीं चाहेगा कि जो यूज़र है बेशक उसने एक्टिवेट नहीं किया, बट उसको सिक्योरिटी अपडेट एंड जो फीचर अपडेट है, जिससे अगर वो फीचर, गाइस आप खुद ही सोचो, अगर वो आपको फीचर अपडेट नहीं देंगे सो आप अपने जो विंडोज़ का एक्सपीरियंस आपका दिन पर दिन कम होता जाएगा, एंड आप विंडोज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। क्योंकि फीचर अपडेट से आपके विंडोज़ की जो एनिमेशन या फिर जो आप बोल सकते हैं जो विंडोज़ की ग्राफिक्स है उसमें इंप्रूवमेंट की जाती है, एंड विंडोज़ में जो बग्स होते हैं उसको ही फिक्स किया जाता है। सो जब ये चीज़ें फिक्स की जाएंगी आपकी विंडोज़ की स्पीड और इंक्रीज होगी, एंड आप और विंडोज़ की ओर इंटरेस्टेड होंगे। तो यही रीज़न है कि विंडोज़ में अभी तक ऐसा जो रिस्ट्रिक्शंस थी जो पुराने टाइम में, आज की डेट में इन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ओवरऑल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पीसी को नॉर्मल यूज़ करते हैं, यानी अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर जो आप अपना स्कूल वर्क करते हैं, तो अगर आपकी विंडोज़ जो एक्टिवेट नहीं है तो आपको कोई नीड नहीं है विंडोज़ को एक्टिवेट करने की आज की डेट में। बट अगर आप मतलब आपके पास पैसे हैं एंड आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। मैंने भी अभी जो विंडोज़ की एक्टिवेशन की बाय की थी वो 800 के अराउंड बाय की थी, OEM की, जो OEM कीज़ होती हैं बिल्कुल ओरिजिनल की थी, एंड मेरे को अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई है। तो आप keyfence.com को चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई अदर वेबसाइट पता है जो जेन्युइन वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हैं, बट keyfence.com जो है बिल्कुल जेन्युइन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वहाँ पर जाएँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट वो मेरे को वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने भी अपनी जो की है वहाँ से बाय की थी। एंड अगर आप नहीं भी करते हैं बाय तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अपनी विंडोज़ में कोई भी फीचर में कमी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने आपको बता दिया किन किन फीचर से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड अगर आप करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हैं। एंड अगर आपका वर्किंग पीसी है, यानी मैंने आपको बता दिया अगर आप वर्क पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप कोई कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उन पीसीज में तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके विंडोज़ को एक्टिवेट करने की, क्योंकि गाइस उनमें जो भी मतलब अभी विंडोज़ की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं सो उनमें आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं गाइस, क्योंकि पर्सनलाइजेशन सेटिंग को किसी भी वर्किंग पीसी में क्या ही आप करोगे। सो गाइस यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी कि अगर आप विंडोज़ को आज की डेट में एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपको क्या जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो गाइस आई होप आपको वीडियो मज़ा आया, मज़ा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, क्योंकि मैं जल्दी अपने चैनल पे जो है एक्टिवेशन जो की है उसका एक मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना।